बेतिया में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देखकर स्थानीय सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल गदगद नजर आए। उन्होंने बताया कि जीएमसीएच में 220 बेड कोरोना मरीजों से भरे हैं, बावजूद इसके जीएमएम कॉलेज में ऑक्सीजन युक्त बेड मौजूद है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। काम करना शुरू कर दिया है। बेतिया अस्पताल के 220 बेड थे, अभी वो पूरे बेड फुल हैं, पर आज भी हमारे यहाँ जीएनएम कॉलेज में बेतिया में ऑक्सीजन के साथ बेड की उपलब्धता है। माननीय मंगल पांडे जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे, 69 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज हमारे पास आ गए हैं। तो एक तो पीएसए मशीन हो गई हमारी, दूसरी हमारे पास 69 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो वो काम करेंगे। उसमें 30 जो है वो 10 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिसको हम सीरियस मरीजों में भी दे सकते हैं। बाकी 40 5 लीटर के तो वो सीरियस मरीज में नहीं दे सकते हैं, तो अभी हम लोग उसकी भूमिका देख रहे हैं कि वो जीएनएम कॉलेज में रखेगा या